कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के मकसद से केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में छूट दिए जाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने वाले 2 करोड़ रुपए से कम की टर्नओवर वाले कारोबारियों को कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। जेटली ने कहा कि 2 करोड़ पर चेक या डिजिटल मोड से पेमेंट ट्रांजेक्शन पर आय 6% यानी 12 लाख मानी जाएगी। डिजिटल पेमेंट नहीं करने पर यह आय 8% यानी 16 लाख मानी जाएगी। यानी डिजिटल कारोबार नहीं होने की स्थिति में अनुमानित आय 8% मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मोड से पेमेंट से कम टैक्स देना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से 2 करोड़ के टर्नओवर वाले कारोबारियों को राहत मिलने वाली है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक नोटबंदी के लिए पूरी तरह तैयार था। उसके पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रा उपलब्ध है जो 30 दिसंबर के बाद भी चलेगी। बैंकों से कहा गया है कि वे गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद यह बैंकों को पैसा भेजा गया, यह देखा गया कि नोटबंदी के बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा है। तो यह आयकर कानून 1961 की धारा 44AD में संशोधन करके छोटे कारोबारियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। इस छूट को लेकर 2017 में मनी बिल के तौर पर संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। देखते रहिए एडीबी लाइव।